अरे जहाँ पे ये होता है ना, ये चाची उधर, मामी उधर, ताई उधर, भैया उधर, भाभी उधर, भाई। मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू मंकी स्टेटल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी अगली सुबह हो चुकी है, मैं अभी उठी हूँ, 12:30 हो गए हैं। तो आज का जो फंक्शन है हमारा है हल्दी का फंक्शन। तैयारियां करनी है, मार्केट के बहुत सारे काम है वो कंप्लीट करने, क्योंकि हमारे पास आज का ही दिन है। उसके बाद शाम को हल्दी का फंक्शन है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब कैसे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हमने प्लानिंग्स करनी थी लेकिन सब बस अपना अपना लगे हुए हैं कि एंजॉयमेंट हो रही है बहुत ज्यादा वाली। तो चलो देखते हैं। मैं फोन करके एक दो जने कह दूंगी की बरात पहुंचनी है, वो अगर रवा दे के तो अभी आप सबने देखा ही होगा कि ब्राइड कैसे सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, प्लानिंग हो रही थी, उसके बाद हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो लौंग का धुआं लेने से मेहंदी ज्यादा डार्क होती है ऐसा कहते हैं। जीजू से बात चल रही है, ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि घोड़ी करनी है। नहीं, घोड़ी तो करनी है, अरे कब करनी है। खुद की शादी की प्लानिंग और सबको बताना, मतलब ये होता है जहाँ पर मिस मैनेजमेंट, क्योंकि शादी जो है वो मिस मैनेजमेंट का दूसरा नाम। लेकिन मिस मैनेज होने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे कुछ भी अनऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। अरे जहाँ पे ये होता है ना, ये चाची उधर, मामी उधर, ताई उधर, भैया उधर, भाभी उधर, भाई, सिर्फ मैनेजमेंट चीजों की हो सकती है आराम से, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होती है और वो हम कर लेते हैं। तो अभी मैं और भैया निकल चुके हैं मार्केट का काम करने के लिए। तो अभी पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले हम होटल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पेमेंट करनी है कुछ एडवांस में। यहाँ पे भैया ने सोचा कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेस वेयर करेंगे ग्रे कलर के दीदी की शादी के लिए, तो बस वही लेने आए हुए हैं। ड्राइवर चलो, अभी भैया जा रहे हैं मेरे को और आश्रय को होटल दिखाने के लिए। ये नया मास्क लेके आया इसलिए पहन रहा है, हमें ऐसे अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्या बुलाती है मगर जा। हमें हमारी वेडिंग के लिए आप हमें होटल दिखाने लाए हैं। मंडप बनना है, मंडप बनना है। वाओ नाइस, यहाँ पे मंडप बनेगा इस वाले प्लेस पे। सेंटर च किद्दां करेंगे, इत्थों तां चेयर्स है सारियां, इत्थों एंट्री हो ही नहीं सकदी, उत्थों किद्दां आएगा ब्रो। ये विच्चों विच्चों हो जाएगा कि आपां सारे इद्दां, मतलब सारे बैठे हैं, विच्चों दी एंट्री होगी, वह एंट्री थोड़ी अलग हैगी, आपां ओह वाली एंट्री ते करांगे। कीप योर डिस्टेंस, वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स। ओके ब्रदर, ओके ब्रदर। सुनो, डोर बंद होएगा, दीदी बाहर खड़े होंगे एकदम, जिस तरह एक साइड पे कोई दूसरी साइड पे खड़ा होके, ऐदां पर डोर ओपन करांगे, तां दीदी दिखेंगे। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, मिलते हैं उसी दिन, देखते हैं क्या क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। रेड कलर का सोफा, रेड सोफा ना, ठीक है, रेड सोफा, रेड कारपेट हो जाएगा। अभी मतलब दीदी के लिए हमने बनवाए हैं हाथों में, मतलब वो हल्दी है अभी, तो ऐसे लटकने वाले बनवाए हैं। लटकते ऐसे ही हैं, ऊपर को थोड़ी लटकते हैं। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਲ ਕਹਿ ਦੀ ਭਈਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਂਡੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਮ ਪਾਰਲਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਮ ਘਰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੋ, ਤੋ ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀਧਾ, ਔਰ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦੀਦੀ ਕੋ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੀਦੀ ਕੀ ਆਜ ਕੀ ਹਲਦੀ ਕੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਦੇਖਨਾ। ਸਿੰਪਲ। तो मैं घर पहुंच गई थी और अभी रेडी हो चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, सबसे लास्ट में रेडी हुई हूँ मैं, और अंदर हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, पिक्चर्स हो रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दीदी कैसे लग रहे हैं और बाकी सब कैसे लग रहे हैं और कैसे जा रहा है हमारा हल्दी का फंक्शन।
सब वहाँ पे हल्दी का फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं। और भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं पैसे गिन रहा हूँ। कौन से पैसे गिन रहे हैं? जेड़ी आंटी ने दे रहे हैं काम। बारह फेरा बोलते हैं कि जो सर से, हाँ सर से पैसे बांट के जो देते हैं वो यहाँ पे जो भी काम वाली आंटी होती हैं जो भी काम करते हैं उनको देते हैं, और जितने भी पैसे इकट्ठे हुए भैया वो गिन रहे हैं। कितने हुए? डेढ़ सौ है। 150 रुपए गिने हैं और बोल रहे हैं पूरी ईमानदारी से गिने हैं। मतलब उसे फंक्शन चल रहा है तो ये फोटो नहीं। ये बंसी भैया है, ये यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। और अभी मैं वीडियो बना रही थी तो बंसी भैया बोले मेरी वीडियो भी बनाओ, यूट्यूब पे जाएगी, देखोगे ना कल मिलेगी आपको ये वीडियो। गजब बेइज्जती है। तो अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब दीदी को हल्दी लगाने के लिए गई हुई थी तो दीदी ने मेरे को बोला कि इधर कान इधर कर, मेरे को तेरे को कुछ बोलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कान इधर किया और दीदी ने ये कर दिया, मेरे को भी हल्दी लगा दी कि तेरी शादी भी जल्दी जल्दी हो जाए। अभी हल्दी सेरेमनी हमारी रैपअप हो चुकी है, सब लोग डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद कल तो शादी है ही और कल की प्रेपरेशंस करनी है क्योंकि कल तो मेन फंक्शन है, मेन दिन है, बहुत स्पेशल डे है। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।